तीरा हत्याकांड, वो भी मासूम बच्चे, और नेम्ड एफआईआर उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है। तो हमने आज जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, आंदोलनकारी हैं, उन सबके साथ बैठकर बातचीत की है, संवेदना व्यक्त की है और अफसोस भी जाहिर किया है कि जिन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय से अभी दूर हैं। तो एक तो आंदोलनकारियों के साथ हमारा संपूर्ण समर्थन है और दूसरी घटना जो 30 जुलाई को हुई है, आंदोलन करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक संवैधानिक अधिकार है। कोई भी पार्टी, कोई भी सामाजिक संगठन या व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर सकता है, न्याय के लिए प्रयास कर सकता है। और 30 जुलाई को जो एक सार्थक प्रयास था हमारे आंदोलनकारियों का, जानकारी ये भी मिली है कि उस आंदोलन को दबाने के लिए निहत्थे लोगों पे लाठी चार्ज हुआ, मारधाड़ हुई, पानी की फुहारें छोड़ी गईं, बहुत सारे लोग जख्मी हुए, अपराधी तो गिरफ्तार नहीं हो पाए लेकिन आंदोलनकारियों को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब चूंकि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बिहार प्रदेश में मैं ओबीसी मोर्चे के प्रभारी के तौर पे सेवा कर रहा हूँ, पार्टी की सांसद भी रहा हूँ, दो बार विधायक भी रहा हूँ, तो आज इस आशय के साथ मैं अपने साथियों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ कि जो भी ये घटना है, 7 तारीख की हत्या की घटना और 30 तारीख की पुलिस की बर्बरता की घटना, इन दोनों घटनाओं की निंदा करता हूँ। हमारी पार्टी की तरफ से तो आश्वासन यही है और डिमांड भी है, मांग भी है कि अन्याय हुआ है और जैसा कि लोगों ने फोटो दिखाई हैं, लोगों ने बताया है, जो लोकल के लोग हैं, जो साथ रहने वाले लोग हैं, परिवार के लोग हैं, कि हत्या हुई है। अब इसमें एक अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, मधुबनी की रिपोर्ट बता रहे हैं वो आएगी। बाकी हमारी पार्टी के अध्यक्ष गुरमुख जी हैं, डॉक्टर साहब, एडवोकेट साहब और भाई रंगा जी और भी साथी आए हैं। तो हमारी डिमांड तो यही है कि आजकल CBI की डिमांड ज़्यादा हो रही है और जब कोई केस नहीं खुल रहा है, 1 महीना आज हो भी गया है, आप लोग भी जानते हैं, तो इसकी CBI जाँच हो। और इसमें यह भी सवाल है कि क्या CBI सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही है, क्या CBI इनके लिए नहीं, इनकी हत्या हुई है, छोटे छोटे मासूम बच्चे मरे हैं, पूरे हरियाणा में चर्चा है, उत्तर प्रदेश में चर्चा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी चर्चा है, तो इसमें न्याय मिले और इसकी CBI जाँच हो और जो सही है वो सही हो और जो दोषी उन पर कार्रवाई हो। तो हमारे युवा साथी हमारे बीच से गए, बहुत ही दुखनीय घटना है और मैं तो ये कहूँगा कि इस देश और प्रदेश के अंदर गरीब आदमी को जीने का अधिकार ही ख़त्म कर दिया। ये सरेआम हत्याएं हैं क्योंकि पोस्टमार्टम में अभी मैंने बच्चों की फ़ोटो देखी, अगर वो डूब के मरते तो उनके पेट में पानी, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ये कहती है कि पेट में पानी नहीं गया। जब वो डूबता है कोई भी आदमी, ये नेचुरल बात है कि भी उसके पेट में पानी जाता है, लंग्स में उसके पानी जाएगा, बट ये इसको घुमा फिरा के ताकि इन गरीब आदमियों को कोई इंसाफ ना मिले, हम बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती हैं। जब CBI देश के अंदर, ये जो माननीय हमारे विधायक जी ने बात कही, ये सिर्फ गरीब आदमियों को डराने के दबकाने के लिए ही थोड़ी CBI बनी है। CBI जाँच हम चाहते हैं और आदरणीय बहन जी हमारी सुप्रीमो है, इस बात को हम आदरणीय बहन जी के संज्ञान में भी लेकर आएंगे हरियाणा की तरफ से, ताकि इस समाज को यहाँ इंसाफ मिले।